काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था कि इस चुनाव के क्षेत्र में आया जाए या नहीं, लेकिन जब देखा कि आध्यात्मिक शक्तियों पर राजनीतिक अंकुश बढ़ता चला जा रहा है और धर्म के क्षेत्र में भी राजनीतिक दखल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा, तो समय मन में ये विचार चल रहा था कि क्यों ना राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है प्रयास किया जाए और राजनीतिक सत्ता तक पहुँचा जाए, ताकि आध्यात्मिक उनका संरक्षण किया जा सके, उनको और संवर्धन किया जा सके, क्योंकि निरंतर हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार का ख्रास होता चला जा रहा है। कहीं भी ऐसा वातावरण नहीं है जहाँ पर संस्कृति और संस्कार के संवर्धन के कोई योजनाएं हो। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विचार मन में आया हमारे कार्यकर्ताओं के और उस क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली में निवास करने वाले हमारे लाखों श्रद्धालुओं के कि महाराज जी, आप जैसे व्यक्ति जो है चुनाव राजनीति में क्षेत्र में आना चाहिए ताकि धर्म संस्कृति और संस्कार का संवर्धन किया जा सके। तब फिर मन में ये विचार आया कि इस बार जब लोकसभा की सीटों पर कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, तो हमारे उस क्षेत्र में रहने वाले कार्यकर्ताओं ने, सनातन हिंदू वाहिनी के हजारों कार्यकर्ताओं ने ये मांग की कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव के क्षेत्र में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाए। यही वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कामना है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि अभी तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अभी तक चाहे कांग्रेस के या किसी भी दल के जो नेता वहाँ आए, उन्होंने उस क्षेत्र का कोई विशेष विकास नहीं किया। अगर वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो निस्वार्थ भाव से वहाँ सेवा करेगा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मन में भी आया कि इस बार जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अपनी जो है दावेदारी प्रस्तुत की जाए।